स्वागत है आपका UP24x7 न्यूज में। मैं मसूरी सिंह पीशुनियाल। पहाड़ों की रानी मसूरी जितनी अपनी सुंदर वादियों के लिए जानी जाती है, उतनी इसकी पहचान जो है वो स्पोर्ट्स के लिए भी है। इसी को लेकर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर यंग कैंट स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित प्रथम सिक्स साइड कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट, जो कि जो है वो हर साल कराया जाता था, लेकिन गत वर्ष कोरोना काल के कारण ये जो है वो नहीं कराया गया। इसी को लेकर बात करेंगे, इसको कराने का उद्देश्य क्या है। जिस तरीके से आज लगातार युवा पीढ़ी एक नशे की तरफ जो है वो जा रही है, कहीं ना कहीं खेल एक बड़ा माध्यम है। यंग पीढ़ी, जो जवान पीढ़ी हमारी है, इनको जो है वो आगे इनका विकास लगातार होता रहे, क्योंकि हमारा उत्तराखंड भी एक 22 साल का युवा है और ये युवाओं का राज्य है और युवाओं के लिए ही जो है वो यहाँ पर ये खेल आयोजित किए गए हैं। देवप्रयाग कृतिनगर जन कल्याण समिति द्वारा ये 5 दिवसीय यहाँ पे कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया, ये आज का अंतिम दिन है, फाइनल खेला जाना है यहाँ पे। और यहाँ पे मसूरी सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ पे टीमों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभा का शानदार यहाँ पे प्रदर्शन दिखाया। खेल से जो है एक तो युवा आजकल जो नशे का सेवन कर रहे हैं उससे भी थोड़ा सा दूरी बन जाती है, यहाँ पे बिजी हो जाते हैं तो नशे से भी दूर रहते हैं। और हमारा मेन मकसद ये है कि आज के युवा जो यहाँ पे इतना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फील्ड की कमी होने के कारण जो है यहाँ पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का कि उन्होंने यहाँ पे युवाओं के लिए, खेल प्रेमियों के लिए यहाँ पे फील्ड उपलब्ध कराया। और जब से ये फील्ड उपलब्ध हुआ है तब से यहाँ पे 5 या 6 क्लब द्वारा यहाँ पे जो है कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया और 17 तारीख से फिर यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट होना है। तो अब लगातार यहाँ पे जो है मसूरी सहित आसपास की टीमें जो है यहाँ प्रतिभा कर रही हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो है यहाँ पे अपने खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह तो जो है वो परिपूर्ण देखा जाता है, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण जो है वो इनको मौका नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को, स्थानीय शासन को, स्थानीय प्रशासन को इस विषय को लेकर गंभीर होना होगा कि युवा जिस तरीके से आजकल जो है चोरी चकारी और नशे में जो है वो लिप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है वो खेल से जोड़ा जाए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। देखो यहाँ पे खेल की सबसे जो मैदान है उसकी यहाँ पे काफ़ी कमी है। यहाँ पे बिलाड़ो मैदान जो है बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों के लिए मैदान बन सकता है, लेकिन वहाँ पे पिछले कई सालों से ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे खेल मैदान बनेगा, लेकिन कहाँ वहाँ पे रोक लग गई इसका पता नहीं चल पा रहा है। अगर वो भी यहाँ पे खेल खुल जाए, मैदान खुल जाए और ये वाला भी मैदान, दोनों मैदान हो जाए, तो यहाँ पे काफ़ी जो है खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी तक जो है वो लगभग कितनी टीमों ने जो है यहाँ पर प्रतिभाग किया है? यहाँ पे पिछले 5 दिनों से 32 टीमें यहाँ पे पहुँची हैं और आज यहाँ पे फाइनल मैच खेला गया है। अब देखते हैं कि कौन यहाँ पे फाइनल मैच जीतेगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 32 टीमें काफ़ी बड़ा आंकड़ा जो है वो माना जाता है, क्योंकि 32 टीमें यहाँ पर प्रतिभाग कर रही हैं और आगे भी लगातार जो है यहाँ पर और टूर्नामेंट आयोजित होने हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आपने जो है यहाँ पर 5 दिवसीय यहाँ पर ये इस क्रिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, इसको लेकर जो है किस तरीके की आपकी जो है विचारधारा रहती है और कितनी टीमों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि आपने इस टूर्नामेंट को कवरेज करने के लिए आए। देखिए जहाँ तक बात उतरी थी युवाओं की, तो लगातार पिछले जो कोरोना काल रहा है उसमें से आपने देखा कि जब युवक बिल्कुल घर के अंदर बंद हो गया और कुछ ना खेलने के लिए ग्राउंड भी बंद हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो युवा था वो दूसरी दिशा में भटक गया। आज बहुत ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित युवा हुआ है, तो हमने इसी को लेकर अपनी जो कीर्तिनगर देवप्रयाग हमारी समिति उससे विचार विमर्श किया कि क्यों ना क्यों हम एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट इस मसूरी में कराएं जिससे जो युवा है वो खेल मैदान की तरफ आए और आकर्षित हो। और मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ मसूरी के समस्त खेल प्रेमियों का कि ये जो टूर्नामेंट चला है 4 दिन का, ये आज 4th दिन है और इसमें आप देखें बहुत अधिक मात्रा में युवा जो है इसमें आए हैं, कम से कम 32 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है और कहीं ना कहीं बोलेंगे हमारा जो उद्देश्य था युवाओं को खेल से जोड़ने का कहीं ना कहीं साकार होता हुआ मुझे नजर आया है। खेल कहीं ना कहीं मानसिक विकास और शारीरिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाता है। जिस तरीके से लगातार आजकल के युग में हम देखते हैं कि लोग जो है वो पबजी और फ़ोन में सीमित हो गए हैं, तो एक ये आपने जो प्रयास किया है इससे कहीं ना कहीं एक युवा पीढ़ी को नई दिशा और दशा मिली। बिल्कुल, आप देखिए मसूरी की कम से कम आप अपने आप में देखिए 24 टीमें मसूरी की जो यहाँ पे खेल रही थी लगातार, अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हर दिन यहाँ पर कम से कम 100-150 युवा हर दिन खेलने आते थे, तो कहीं ना कहीं खेल की तरफ उनका आकर्षण है और इसमें कम से कम 12 साल से नीचे के जो बच्चे थे वो भी खेलने देखने के आते थे और लगातार यहाँ पे खेलते रहते थे, तो कहीं ना कहीं खेल की तरफ जो आकर्षण है बच्चों का बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जो है वो परिपूर्ण उत्साह है, अगर सरकारें, स्थानीय शासन प्रशासन थोड़ा सा इस विषय को लेकर गंभीर हो तो यहाँ के युवाओं को नशे से दूर एक अच्छा भविष्य, अच्छा शरीर, अच्छा मानसिक विकास मिल सकता है। मैं कैमरामैन नीरज के साथ नितेश सुनियाल, UK24x7 न्यूज़, मसूरी।